रहमान रहीम, आपको पता होगा जैसे आज पहला टेस्ट मैच ख़त्म हुआ एशेज का, देख के बहुत खुशी हुई। सच्ची बात बताऊं कि दिल को तसल्ली हुई कि टेस्ट मैच जो होता है वो ये होता है। हम लोग अमूमन पहले दिन जब बात हो रही थी, पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जो चीज़ मुंह से निकली अल्लाह ताला ने वो सही करवाई। तो जो टॉस पे बात हो रही थी, जब 120 के करीब उनके आउट हुए थे 7 या 8, तो सब यही कह रहे थे हमारे मुल्क में कि जी गलत फैसला था। वो कोच, वो मैनेजमेंट कभी भी कामयाब नहीं होती जो पहले दिन का सोचे, चाहे वो 4 डे क्रिकेट हो चाहे 5 डे क्रिकेट हो। जो वो मैनेजमेंट हमेशा कामयाब होगी जो 4थे और 5थे दिन का सोचे नहीं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक होती है वहाँ पे टॉस के पहले दिन का सोचा जाता है, जो गलत है। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा भी है और इम्प्लीमेंट होते हुए भी देखा है, और मुझे हंसी आती थी कि ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी पिच पे घास दिखी और टॉस जीत के बॉलिंग करना शुरू कर देते थे, जो गलत है। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया का जो फैसला था वो बहुत अच्छा था और उसका उन्हें फ़ायदा ये हुआ। हालांकि वो 200, मैंने यही बात कही थी 200 या 220 भी अगर करने होंगे चौथी बारी में, इंग्लैंड नहीं करेगा। नेथन लाइन बहुत डेंजरस बॉलर होगा, ये तो उन्होंने अभी जो दोनों टीमों ने गलतियां करी, जो जो प्लेयर खिलाने चाहिए थे वो नहीं खिलाए इस पिच को। मेरे ख्याल है दोनों ने पिच रिंग जो थी पिच को पढ़ने में थोड़ा सा उन्हें प्रॉब्लम हुई है और एक दो बैड डिसीजन हुए। जहाँ तक बात है, मैं आ जाता हूँ पहले ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे। ऑस्ट्रेलिया में भी और इंग्लैंड में भी, ये मेरी बात याद रखिएगा, इस टाइम में जो टीम खेल रही है उनके पास दो दो बैट्समैन हैं जो टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास ख्वाजा उस्मान ख्वाजा और स्टीव स्मिथ जो टेस्ट के प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के। जुमला याद रखिए, टेस्ट में हर चीज़ का टेस्ट होता है, चाहे वो पहले दिन लंच से पहले खेलने का ओपनर्स का, या आखिरी दिन चौथी बारी में खेलने का, हर चीज़ का टेस्ट होता है। इसी तरह इंग्लैंड की टीम में बर्न्स और उनका कप्तान जो रूट, ये टेस्ट मैच के प्लेयर हैं। नो डाउट वो वनडे भी खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, लेकिन जो टेस्ट मैच के लिए जो प्लेयर जिसे बोला जाता है ना मौजूद तरीन, जैसे ग्रेट सुनील गावस्कर, सचिन तो नंबर 4 पे आता था टेस्ट मैच में, वनडे में वो ओपन आता था। बेस्ट एग्जाम्पल मैं दूंगा सनी भाई की, हमारे मुल्क में होते थे ग्रेट लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद साहब, जो टेस्ट मैच के प्लेयर थे। बाद में और भी आए, जावेद भाई आए, जहीर भाई आए, यूनुस आया, इंजी आया, वहाँ से लक्ष्मण आया, ड्रेविड ग्रेट प्लेयर था टेस्ट मैच का, मतलब जो हम बोलते ना कि सेशन टू सेशन खेलने वाला, मतलब बहुत टॉप। स्टीव वॉक जो अभी ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ पे इंग्लैंड में भी बड़े बड़े आए प्लेयर, मतलब डेविड गावर आया, ग्राम गुज, मतलब उनके नाम लेना मेरे लिए वो है। जो मैं आ जाता हूँ जो टेस्ट मैच हुआ, स्टीव स्मिथ ने जिस तरह पहले दिन, मैं बोल चुका हूँ, जिस तरह उसने टैकल करा, जिस वे में खेला, टेस्ट मैच अगर किसी बच्चे को सीखना है कि किस वे में खेला जाता है, तो स्टीव स्मिथ की ये दोनों इनिंग्स निकाल के देख ले, पहले क्या स्ट्राइक रेट था खेलने का और दूसरे इनिंग्स में क्या स्ट्राइक रेट था। यहाँ पे एक चीज़ और बोलता चलूँगा, वो बैट्समैन जो 45 से 50 के दरमियान और 50 से 55, 55 से 60 टेस्ट मैच का स्ट्राइक रेट ये होना चाहिए आजकल। पहले तो 25-30 होता था, क्योंकि पहले दिन कम से कम 100 रन बनते थे, एक बैट्समैन बनाता था 70s, 80s और 90s में। अब ये स्ट्राइक रेट हो गया टेस्ट मैच का, तो ये ज़रूर अपने जहन में रखें कि स्ट्राइक रेट ये होना चाहिए, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो चाहे वो ओपनर्स हो, क्योंकि ओपनर्स की लंबी जॉब होती है। थोड़ा सा ये आज मेरा इंटरव्यू इसलिए लंबा होगा कि पूरे 5 दिन का मैं खुलासा कर रहा हूँ, तो माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी टीम सिलेक्शन के बारे में, जो गलती ऑस्ट्रेलिया ने करी सिडल को खिला के, मिचेल स्टार्क को ना खिला के, वही गलती इंग्लैंड ने करी एंडरसन को खिला के। एंडरसन दूसरी बारी में बॉल नहीं कर पाया, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है एंडरसन की ये आखिरी सीरीज़ होगी, उसके बाद वो रिटायर्ड हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि सिडल ने बैटिंग में तो बड़े अच्छे रन करे, लेकिन वो बेसिकली एज ए बॉलर खेला था,
एज ए बैट्समैन नहीं खेला था, वो तो एक बेनिफिट मिल गया जो तो एक वाइटल पार्टनरशिप करी उसने स्टीव स्मिथ के साथ। टीम सिलेक्शन की बात हो गई, स्टीव स्मिथ नो डाउट, बर्न्स भी बहुत अच्छा खेला, दोनों की क्लास ऑलमोस्ट, मतलब क्लास तो नहीं बोलूँगा कि द वे ऑफ प्लेइंग जो है वो ओपनर है, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन स्टीव स्मिथ जो एक साल बाहर रहे ना, मेरा ख्याल है वो गुस्सा, वो इतना भूखा है इस टाइम पे रन बनाने के लिए, मुझे लगता है वो इस टेस्ट सीरीज में और भी रिकॉर्ड कर देगा। उसके मतलब की पिच मिल गई ना और अगर, तो वो पूरे दिन में आउट भी नहीं होगा। अभी तो वो दूसरी बारी में शॉट खेलते हुए आउट हो गया कि रन्स तेज करने थे, मुझे लगता है एक साल के वो रन्स पूरे करेगा। एक नाम और लेता चलूं जो दूसरी बारी में जिसका वाइटल रोल था, लोग बात कर रहे होंगे वेड की, वेड ने सेंचुरी बनाई, मैं वेड की सेंचुरी को इतना क्रेडिट नहीं दूंगा जो ट्रेविस हेड ने जो 50 करे ना 51 रन, मेरा ख्याल है उस पार्टनरशिप ने बेस बना दी थी इंग्लैंड की जीतने के लिए। हालांकि डिक्लेरेशन मेरी नज़र में लेट हुआ है, नॉट मोर देन 350-350, ये मतलब 390 रन तो बहुत ज़्यादा रन थे चौथी बारी में तो मेरा ख्याल है, लेकिन क्योंकि पहला टेस्ट मैच था, एशेज बड़ी सीरीज होती है तो इसलिए कोई हारना नहीं चाह रहा था। पांचों दिन अगर आप लोगों ने ये मैच बगौर गौर से देखा हो, नाम का कप्तान था टिम पेन, इस टेस्ट मैच में सारी कप्तानी जो फील्डिंग में हो रही थी, चाहे वो रिव्यू लेने से मुराद हो मेरी या नाथन लाइन को, कमिंस को, जिस तरह स्टीव स्मिथ बता रहा था ना वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। एक टाइम पे जावेद भाई हमारे मुल्क में ये करते थे, यूनुस करता था, MS धोनी इंडिया की तरफ से करता है। अगर किसी ने देखा हो, मेरे ख्याल राम प्रकाश बड़े मशवरे देता था, अब पता नहीं वो आया इंग्लैंड की टीम के साथ है या नहीं, लेकिन जब राम प्रकाश खेलता था तो ये वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा बताती हैं कि बंदा कितना कीन है। उससे कप्तानी तो ले लिया स्टीव स्मिथ से, लेकिन उसके अंदर का कप्तान जागा हुआ है और ये एक अच्छी चीज़ होती है। इसमें किसी मैनेजमेंट को बुरा नहीं मानना चाहिए, अगर किसी के फैसले से आपकी टीम में बेहतरी आती है तो ये अच्छी चीज़ है। मैं बहुत सारे मैचों में मिसाल देता था, MS धोनी पीछे से जिस तरह बॉलर्स को बोलता है कि थोड़ा सा हल्का करो, हवा में हवा दो हवा दो, हम लोग तो बोलते हैं फ्लाइट करो, इंडियन की डिफरेंट लैंग्वेज होती है, वो बोलता है हवा दो, थोड़ी हवा दो, शाबाश, उल्टा करो, गुगली करो, क्योंकि गोरों को तो समझ में आती नहीं है हिंदी या उर्दू। अब मैं आपको एक वो चीज़ बोलने जा रहा हूँ जो मेरी अपनी मेरा अपना ओपिनियन है, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, मतलब एग्री करें या डिसएग्री करें, ये आपका हक है। एशेज सीरीज बड़ी है बनिस्बत पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है ना, हमारे यहाँ भी ये लोग बोला जाता है या इंडिया में भी बोला जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा है बनिस्बत एशेज सीरीज से। नहीं भाई नहीं, हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान कहाँ टेस्ट मैच सीरीज़ होती है, पहले होती थी, अभी तो आजकल क्रिकेट नहीं हो रही, हम लोग की मुलाकात कहाँ होती है, एशिया कप में, चैम्पियंस ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब 7 के 7 मैच इंडिया हमसे जीता हुआ है, तो किस बात का, ये एक्चुअली हमारी तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी जो मीडिया है इन्होंने ये हाइप क्रिएट करी हुई है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो बेटर देन एशेज। नहीं भाई, आप मुझे ये बताए ना, मैं तो टीवी चैनल पे बैठता हूँ, जब हमारा टकरा होता है इंडिया से भी, हमारे सीनियर्स आए होते हैं, सर अंशुमन गायकवाड़ होते हैं, श्रीकांत होते हैं और दूसरे यशपाल शर्मा जी होते हैं या नए लड़के जो हैं वो भी होते हैं, तो जब मैं यहाँ से बोलता हूँ कि भाई कोई मैच ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान की उसमें कि इंडिया हमसे बहुत बेहतर टीम है, तो यहाँ वाले जो हमारे हजरात होते हैं वो बुरा मानते हैं कि यार आप, मैं पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है, हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। हम लोग, आप बताएं ना, अभी हम 5 साल में एक मैच जीत जाते हैं, हम खुशियां मना रहे होते हैं 5 साल तक के लिए, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराया तो था, ओ भाई पहला मैच हारे भी तो थे यार, ये भी तो बोलो, जो चीज़ मानने वाली वो तो मानो कि उनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है हमसे, उनके यहाँ जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं वो आया
अब विराट कोहली एक माइंड गेम खेलता है आमिर का नाम लेके, आमिर बहुत बढ़िया बॉल कर रहा है, वो भाई आउट कितने करे, ये चीज़ देखने की होती ना। हम पूरे अभी वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे टॉप थ्री बैट्समैन, तो टॉप थ्री बैट्समैन में से एक ने 100 करा पाकिस्तान के अगेंस्ट और एक ने 51 करे राहुल ने, क्योंकि शिखर धवन चला गया था। तो ये जो हकीकत है वो तो मानो, मेरा ख्याल है गलत है ये कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज बेटर देन एशेज। भाई एशेज टेस्ट मैच का होता है, मंडे का थोड़ी होता है, वहाँ पे वुमेन की भी आपस में खेलती हैं, उन्हें भी एशेज का नाम दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये तो सोचो, हमारे यहाँ तो क्रिकेट होती नहीं है, आईसीसी का कोई टूर्नामेंट होता होता है। अभी एशिया कप में हमें 2 दफ़ा हराया इंडिया ने, हालांकि मैं टीवी चैनल पे वहाँ बैठा हुआ था, मैंने कहा था मेरी ख्वाहिश है कि इस एशिया कप में 3 मैच हो, नहीं हुए क्योंकि पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुँचा। तो मेरी ज़ाती ओपिनियन है कि एशिज बेहतर है। जो क्रिकेट आपको ये 4.5 दिन देखने को मिली है, कोई भी क्रिकेटर होगा ना, मतलब जो क्रिकेट को समझता है वो यही बोलेगा क्रिकेट बहुत अच्छी हुई है। पाकिस्तान का या इंडिया का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, आया वो क्रिकेट अच्छी हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। पाकिस्तान को बच्चों की तरह हराया इंडिया ने, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हो, फाइनल में हमने हराया बच्चों की तरह। 5 साल में एक भी आप मैच जीत जाएं, एक दफ़ा हम अभी तक जीते जो है इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी में जीते। मैं यहाँ बात एक और करना चाहूँगा, मेरे ख्याल लोग शायद समझना चाहें तो समझ जाएं। एक टाइम ऐसा था जिस तरह इस वक्त बच्चों की तरह इंडिया हमें हराता है ना, इस तरह हम इंडिया को शारजा में हराते थे कि जो मैच होता था हमें टेंशन ही नहीं होती थी। पाकिस्तान टीम को टेंशन होती थी वेस्ट इंडीज़ की या ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया से हमारा मैच होता था हमें पता आराम से जीत जाएंगे, 260 भी करेंगे आराम से जीत जाएंगे। उस टाइम पर हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, वसीम भाई भी थे, वकार था साथ में, हमारे स्पिनर होते थे, मुश्ताक होता था, आकिब जावेद होता था, तो वो चीज़ डिफरेंट थी। लेकिन उस टाइम भी हम वर्ल्ड कप में नहीं जीते, तो जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। फिर एक बात यही कहूँगा कि क्रिकेट की जीत हुई है, ये जो पहला टेस्ट मैच हुआ है क्रिकेट की जीत हुई है। इंग्लैंड में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उनके यहाँ अभी वो रिसेंटली वर्ल्ड कप जीत कर आए और कमेंटेटर भी बोल रहे हैं कि जी बटलर और बेन स्टोक ने फाइनल जितवाया था। वो भाई वो वनडे था, ये टेस्ट मैच है, यहाँ पे रोकना तो आ नहीं रहा, शॉटों पे जा रहे, जब शॉटों पे जाएंगे तो इसी तरह आउट होंगे ना। ये तो मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा रन दे दिए, अगर ये रन 250 रन होते ना तो ये 4.25 दिन या मतलब कल या आज 1 घंटे में ख़त्म हो चुका होता मैच। तो मुझे ये मैच देख के बहुत खुशी हुई, जो चीज़ सोची थी, जो प्लान बनाया था। देखें इंसान वो होता है जो हर रोज़ सीखता रहे, अगर कोई ये सोचे ना, प्लेयर भी जो अभी करंट प्लेयर खेल रहा है कि मुझे हर चीज़ आती है, तो समझ जाए उसकी क्रिकेट वहीं पर ख़त्म हो गई, स्टॉप हो गई है। मैं आज भी क्रिकेट सीखता हूँ, चाहे गली में बच्चा खेल रहा हो, उसकी बैट की ग्रिप से, उसकी बैट की स्विंग से, सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। ये उन प्लेयरों के लिए भी है जिन्होंने ये टेस्ट मैच देखा होगा, और स्पेशली यंग प्लेयर, वनडे क्रिकेट को फॉलो करना है तो रोहित शर्मा और कोहली को और बाबर आजम को देखें, और अगर टेस्ट क्रिकेट फॉलो करनी है, बर्ड्स के लिए नहीं बोलूँगा, उसका वो तो बहुत ज़्यादा फॉल्टी है। अभी दूसरी बार में जिस तरह शॉर्ट पिच हुई वो एक्सपोज हो गया, वो आप देखें कि जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग करी, टोटल पेशेंस। हम लोग क्या बोलते हैं, पेशेंस और टेम्परामेंट एक ही चीज़ है, गलत है। पेशेंस बोलते हैं जो स्टीव स्मिथ ने बैटिंग करी है, टेम्परामेंट बोलते हैं जो आपको आप बोल सकते हैं कि हेड ने बैटिंग करी है या वेड ने बैटिंग करी है। दिस इज कॉल बी टेम्परामेंट, कि किसी बड़े बॉलर से आप घबराए नहीं, इसको बोलते हैं टेम्परामेंट। पूरे दिन बारी ले जाना, इसको बोलते हैं पेशेंस, जो ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब, सुनील भाई, एक इंडियन प्लेयर है पुजारा, उसमें भी बहुत ज़्यादा पेशेंस है, वो टेस्ट मैच का बहुत अच्छा प्लेयर है, राहुल ड्रेविड था। तो ये वो मैं मिसालें दे रहा हूँ, जो बच्चे देख रहे हो इनकी वीडियोज़ लाएँ, इन्हें देखें, इन्हें फॉलो करें, इंशाल्लाह सीखने का बहुत मौका मिलेगा। अगले मैच तक इजाज़त दें, जब तक फिर इंशाल्लाह बात होगी, फिर जब तक सबको अल्लाह हाफिज़।